रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और रोजगार विभाग ने विश्वविद्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें 3,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं 50 से ज्यादा कंपनियों ने योग्यता के आधार पर भर्ती की। रोजगार मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के बेरोजगार युवाओं की भर्ती की गई। खास बात यह है कि लड़कियों की भागीदारी भी ज्यादा रही। मेले का शुभारंभ करने पहुंचे जिला उपायुक्त यश गर्ग ने कहा कि युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं। वहीं विद्यालय के VC SP बंसल ने कहा कि उन्होंने सातों गांव को गोद लिया हुआ है और सभी को वे विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रेवाड़ी से जाट TV न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट। इन दो डिस्ट्रिक्ट से सारे कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जितने भी बच्चे हैं जो ITI कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंसेज में हैं और डिफरेंट नेचर के डिसिप्लिन के जो बच्चे हैं उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया है। और मुझे उम्मीद है लगभग हमारे पास 1.5 से 2,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी और बाहर रश आप देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 5,000 बच्चा यहाँ पर आया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक तो बच्चों को सबको ये पता चलेगा कि आगे रोजगार के उनके पास क्या क्या अवसर हैं और यहीं पर ही वो कंपनियों से भी डायरेक्टली रूबरू हो सकेंगे। और कोशिश सभी की यही है, यूनिवर्सिटी की विशेष तौर पे, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि जो बच्चे निकले हैं वो इम्प्लॉयबल भी हैं तो उनको स्किल्स का भी पता चले और यहीं पे डायरेक्टली कंपनियों में रूबरू होकर उनका रोजगार का सृजन हो सके, उसी की दिशा में ये एक हमारा स्टेप है।